टोटल 10 टीम तो कंप्लीट हो चुका है आईपीएल 2022 में, लेकिन 10 टीमों के ओर से कौन कौन सा खिलाड़ी लोग 3 नंबर के पोजीशन पे खेल सकता है इसके ऊपर ना आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और रैंकिंग भी बताएंगे कि स्टैट्स के मुताबिक कौन सा खिलाड़ी कितना रैंक पर आ रहा है। तो टोटल 10 से 1 नंबर तक जाएंगे, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। आपका पसंदीदा टीमों का खिलाड़ी लोग भी होगा और 3 नंबर में बेसिकली जो खिलाड़ी होता है ना वो अपने टीम को स्टेबिलिटी देता है। किसी भी टीम पकड़ लो उस टीम का 3 नंबर का खिलाड़ी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी देने वाला खिलाड़ी। तो वैसा खिलाड़ी कौन होगा सभी टीमों में तो उसके ऊपर हम गौर देंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और लास्ट में ही ना 3-2-1 आएगा तो उसके लिए रेडी रहना। और मैं हुआ आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। अगर थोड़ा सा भी मेरा ये सब वीडियो पसंद आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी जरूर से जरूर दबा दो, सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा खासा बनाता हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के बहुत ज्यादा बातें हो गया। तो सबसे पहले रैंकिंग वाइज 3 नंबर के पोजीशन पे 10 नंबर रैंकिंग में कौन सा टीम का खिलाड़ी आता है तो मैं बेसिकली बताऊंगा। देखो मैं बेसिकली जो स्टैट्स आप लोगों को दिखाऊंगा ना वो बेसिकली होगा 2021 का या फिर कुछ हद तक 2022 का भी होगा, क्योंकि देखो दो बेसिस के आधार पर तो मैं आपको स्टैट्स दिखाकर नहीं बता सकता किसी भी खिलाड़ी का। तो जिस खिलाड़ी का स्टैट्स 4 मैक्सिमम 4 मैच 2022 में खेल चुका है उस खिलाड़ी का स्टैट्स दिखा दूंगा, और जो सब खिलाड़ी 2022 में अभी तक नहीं खेला है उन लोगों का स्टैट्स मैं दिखाऊंगा 2021 का, ठीक है। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 नंबर पे मैं बेसिकली रखना चाहूंगा गुजरात टाइटंस का विजय शंकर को। विजय शंकर को क्यों रखना चाहूंगा, क्योंकि 3 नंबर के खिलाड़ी की तरह देख सकते हैं। तो इस पोजीशन पर रिसेंट टाइम में जेसन रॉय भी चला गया है, उनको एक रिप्लेसमेंट भी ढूंढना पड़ेगा। तो जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आता है, अगर बाय एनी चांस रायना आ जाता है तो रायना को भाई 3 नंबर पर खिलाना चाहिए अगर आता है तो, ठीक है। विदेशी खिलाड़ी भी ले सकता है, ठीक है। उसका मैं बताऊंगा कि अभी रिसेंट टाइम में जो विजय शंकर है उनको ही देख रहा है ये टीम 3 नंबर के लिए, लेकिन उस जगह पर ना 10 नंबर का रैंकिंग ही बनता है, क्योंकि आप उनका थोड़ा सा स्टैट्स देखो। 2021 में टोटल मैच खेला है 11, जो कि ये आईपीएल का ही स्टैट्स है, ठीक है, सनराइजर हैदराबाद की ओर से। उसके बाद 204 रन किया है, एवरेज 25.5 का, जो कि T20 में 3 नंबर के बैटर के लिए सही नहीं है, ठीक है, मुझे लगता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्ट्राइक रेट है 122.2, जो कि बहुत आला किस्म का भी नहीं है। 130 के ऊपर जो जब स्ट्राइक रेट रहता है ना तो एक देखने वाला चीज़ है कि हाँ भाई इनका T20 खेलने का ठीक ठाक कैपेसिटी है। तो ये स्ट्राइक रेट थोड़ा सा तो कम है। उसके बाद डॉट बॉल परसेंटेज 32.9 है। तो स्टैट्स के वाइज यही है जो कि 10 नंबर का रैंकिंग होल्ड करता है। लेकिन उसके बाद अगर हम आए कि 9 नंबर पे कौन सा खिलाड़ी का रैंक आ रहा है तो ये ना बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं रहेगा केन विलियमसन के ऊपर, क्योंकि केन विलियमसन नो डाउट मैं पहले भी बताया हैदराबाद कोर्स जब वीडियो बनाया था, तो नो डाउट ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन 2021 में देखो चोट से जूझता हुआ एक खिलाड़ी आता है वो खेलता है तो वो ज्यादातर इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन रिसेंट टाइम में ना उनका क्वालिटी बेहतर हो रहा है। देखो क्लासी बैट्समैन है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है। विराट कोहली जैसा क्लास लेकर खेलेगा ना और कोई भी बंदा आपको वो वैसा क्लास नहीं देगा, तो वैसे ही क्लासी बंदा है केन विलियमसन, ठीक है। तो ये सब लोग ऐसा ही होता है, लेकिन केन विलियमसन का स्टैट्स थोड़ा सा दिख रहा हो, लेकिन इनका ना आप स्टैट्स के ऊपर मत जाना, आप स्टैट्स देखो 2021 से कम ही है। तो इसी वजह से वो 9th रैंक होल्ड कर रहा है, 12 मैच खेला है, रन क्या है 298, एवरेज 29.8 का, स्ट्राइक रेट 117.3 का, जो कि बहुत ही कम दिखाई दे रहा है स्टैटिस्टिक में। उसके बाद आप देख सकते हो नॉट बॉल परसेंटेज 37.0 का, जो कि केन विलियमसन का जो कैपेबिलिटी है उसके साथ मैच नहीं खाता है, ठीक है, ये सब स्टैटिस्टिक। तो जब मैं बताऊंगा कि अच्छा कर सकता है, करने का दम तो है, बहुत मतलब बहुत आला आला किस्म का खिलाड़ी को ये बंदा ना पीछे छोड़ सकता है ऐसा खिलाड़ी। तो जब मैं बताऊँ कि रैंकिंग में इस खिलाड़ी का तो भाई रैंकिंग में मत जाओ, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि 8 नंबर पे कौन सा खिलाड़ी आता है, 8 नंबर के रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी आता है, तो वो आता है दिल्ली कैपिटल्स की ओर से, इस साल खेलेगा। तो वो कौन है, केएस भारत। केएस भारत नो डाउट बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहा था आरसीबी की ओर से, लेकिन उनको 9 मैच दिया गया था आरसीबी की ओर से लास्ट ईयर, तो उनका ही स्टैट्स आप देख रहे हो। रन क्या था 274, एवरेज 34.2 का, स्ट्राइक रेट 131.1 का, डॉट बॉल परसेंटेज 34, जो कि बहुत ही बेहतर है। मतलब ये आप T20 के लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि देखो T20 में 30 रन ना बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ स्ट्राइक रेट अगर 131 हो जो कि 3 नंबर खेल रहा है वो भी कारगर साबित होता है। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि बेहतर चॉइस है दिल्ली के लिए, लेकिन रैंकिंग होल्ड कर रहा है अभी रिसेंट टाइम में 8, लेकिन ये रैंकिंग मैं बताया कि ये जो स्टैट्स है ये बेहतर स्टैट्स है, ठीक है। उसके बाद जो आता है 7 नंबर, तो 7 नंबर पे कौन सा खिलाड़ी आता है,
सात नंबर पे आता है राजस्थान रॉयल्स के ओर से खेलने वाला, इस साल खेलेगा देवदत्त पाडिकल। आई थिंक तीन नंबर पे ही उनको खिलाया जाएगा क्योंकि देखो ओपन करेगा यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर, जो कि बताया दिया था मैनेजमेंट का लोगी और बताया था कि देवदत्त पाडिकल को वो एज थ्री नंबर के खिलाड़ी के तहत खिलाएगा। तो उस जगह पर आप उनका स्टैट देखो, थोड़ा सा अच्छा ही स्टैट से, इसमें कोई भी संशय नहीं है। 15 मैच खेला था लास्ट ईयर, रन किया था 4.22, उसके साथ एवरेज 30.1 का और स्ट्राइक रेट 124.9 का, टोटल परसेंटेज 38.4 का, जो कि 3 नंबर के पोजीशन के लिए बैटर के लिए ठीक है, सही है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 30 के ऊपर एवरेज भी है तो ये ठीक है मुझे लगता है। उसके बाद आता है 6 नंबर, तो 6 नंबर के रैंकिंग होल्ड करता है कौन सा खिलाड़ी, 6 नंबर का रैंकिंग होल्ड करेगा CSK का मोइन अली। CSK की ओर से खेलेगा मोइन अली, लेकिन मोइन अली का ना मैं रिसेंट टाइम का फॉर्म उठाया हूँ 2022 का स्टैट से, ये जो कि रिसेंट टाइम में ठीक ठाक है, 7 मैच खेला है, रन क्या है 219, एवरेज 36.5 का, स्ट्राइक रेट 147 का, जो कि बहुत ही बेहतर है, डॉटर परसेंटेज 32.2 का, जो कि बहुत ही बेहतर एक स्टैटिस्टिक है, जो कि 3 नंबर के पोजीशन के लिए बेहतर है। वो बंदा आएगा लप्पे बाजी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, उसके साथ एवरेज भी अच्छा खासा है, मतलब ठीक ठाक खेल लेगा तीसरे नंबर के पोजीशन के लिए। तो इनका स्थान हो रहा है 6 नंबर के रैंकिंग पर। उसके बाद 5 नंबर के रैंकिंग में आता है ना LSG यानी लखनऊ सुपर जायंट। तो लखनऊ सुपर जायंट की ओर से कौन खेल सकता है, मनीष पांडे। मनीष पांडे को मैं क्यों रखा हूं, उनका आप स्टैट देखो, लास्ट ईयर 12 मैच खेला था, उनमें से रन क्या था 392, एवरेज 39.2 का, स्ट्राइक रेट है 117.4 का, डॉटर परसेंटेज 35.0 का, लेकिन एवरेज 39.2 का, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है ना वो थोड़ा सा कम है। मैं इस जगह बताऊंगा कि आप इसके पहले जो मोइन अली था ना, तो मोइन अली को आप 5 नंबर पे रख सकते हो और मनीष पांडे को भी 6 नंबर पे रख सकते हो, या फिर 6 नंबर के पोजीशन पे ना, ये दोनों का टाई बनता है, मतलब आप किसी भी खिलाड़ी को ऊपर रख सकते हो, किसी भी खिलाड़ी को नीचे रख सकते हो, क्योंकि देखो 3 नंबर के पोजीशन के लिए ना आई थिंक स्टेबिलिटी देने वाला खिलाड़ी बेहतर है, जो कि ज्यादा रन करेगा, जो कि जिनका एवरेज होगा 39, मतलब आप 40 के करीब पकड़ सकते हो, तो उस जगह मनीष पांडे ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस जगह की वजह से मैं मनीष पांडे को 5 नंबर पे रखा हूं, तो 5 नंबर पे इनका रैंक बनता है मेरे हिसाब से। उसके बाद 4 नंबर की अगर बात करें ना, तो 4 नंबर पे जिस खिलाड़ी को मैं रखा हूं वो है मुंबई इंडियंस का सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव का करेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, ठीक है, घातक फॉर्म से जा रहा है रिसेंट टाइम में, क्योंकि आप देखो उनका मैच खेला है 3 मैच, रन क्या है 107, एवरेज 53.5 का, लेकिन स्ट्राइक रेट देखो 194.5 का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। 3 मैच खेल चुका है 2022 में, मतलब फॉर्म लगा हुआ है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, लेकिन उनका ना वो एक चीज है कि ग्लोरी शॉट खेलने को जाता है और आउट हो जाता है, मतलब उनका ना थोड़ा सा अगर आउट होने का जो, देखो वो बंदे के पास ऐसा दम है ना कि मैच को फिनिश करके आए, लेकिन वो एक लेफ्ट शॉट खेलेगा, ऐसा स्वीप मारेगा कि हाथ में कैच देकर बैठेगा, तो ऐसा ही, मतलब उनको ना वही स्टेबिलिटी देना पड़ेगा, तो वो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन रिसेंट टाइम में उनका रैंक बनता है 4, क्योंकि टॉप 3 की अगर हम बात करें तो टॉप 3 में कौन कौन सा खिलाड़ी का नाम आता है, तो टॉप 3 की अगर बात करें तो इस जगह पर 3 नंबर के पोजीशन में, या फिर 3 नंबर के रैंकिंग में नाम आता है जॉनी बेयरस्टो का। जॉनी बेयरस्टो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, उनका IPL का स्टैट्स लास्ट ईयर 2021 में कैसा था वो आप देखो, 13 मैच खेला था, रन क्या था 671, जो कि बहुत ही बेहतर है, एवरेज 55.9 का, स्ट्राइक रेट 160.5 का, और डॉट बॉल परसेंटेज तो भाई 34.4 का, एवरेज देखो 55, ये भाई एक अलग वाला लेवल का खिलाड़ी है। 3 नंबर पे मैं इनको क्यों खिलाया हूं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट आ रहा था उसके मुताबिक पंजाब किंग्स की ओर से ओपन कर सकता है मयंक अग्रवाल के साथ शिखर धवन, तो उस जगह पर 3 नंबर का पोजीशन ही बनता है जॉनी बेयरस्टो के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल सकता है, ये बंदा आप किसी भी पोजीशन दे दो ये खेल देगा, ठीक है, मतलब ऐसा वर्सेटाइल खिलाड़ी है, तो उस जगह पर ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। उसके बाद आता है टॉप 2 की बारी, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, वो आता है जिनको आप बता सकते हो कि ऑफ फॉर्म से जा रहा है, लेकिन आप अगर उनका स्टेटस देखो ना तो आप नहीं बताओगे कि वो ऑफ फॉर्म से जा रहा है, क्योंकि उनका जब ऑफ फॉर्म शुरू होता है ना वो और किसी खिलाड़ी का बेहतर फॉर्म स्टार्ट होता है, तो समझ सकते हो किसका बात कर रहा हूँ, वो है विराट कोहली, द किंग, द रन मशीन। तो उनका स्टैट देखो, 2021 में मैं स्टैट उठाया हूँ क्योंकि 2022 में वो खिलाड़ी से पहले 2 मैच खेला है, तो 2 मैच के आधार पर मैं क्या आपको स्टैट दिखाऊँ, ठीक है, तो उस जगह पर मैं 2021 का स्टैट उठा रहा हूँ और T20 आइस का स्टैट उठा रहा हूँ, मतलब वहां पर आप इंक्लूड कर सकते हो वर्ल्ड कप का मैचेस भी, ठीक है, तो T20 आइस में, नो IPL, T20 आइस ना आई थिंक IPL से ज्यादा क्वालिटी प्रदान करता है, ठीक है, तो उस जगह पर देखो विराट कोहली,
कुल मैच खेला है 8 मैच, और मैं फिजिकली बताऊंगा कि 3 नंबर के पोजीशन पे ही इनको खिलाना चाहिए, और मेरा चॉइस भाई ऐसा ही रहेगा कि 3 नंबर पे आप इनको खिला दो, आरसीबी बहुत ही बेहतर करेगा। तो विराट कोहली 8 मैच खेला है, रन क्या है 299, ठीक है, लेकिन एवरेज 74.3 का, बंदा नॉट आउट जाता है तो एवरेज तो ऐसा ही रहेगा, मैच को जीता कर अगर नॉट आउट जाता है कि कोई भी खिलाड़ी तो एवरेज तो ऐसा ही रहेगा। तो उस जगह पर आप स्ट्राइक रेट भी देख सकते हो 132.9 का, जो कि बताता है कि T20 इस बंदे से नहीं होकर कौन बताता है, मतलब आप समझ के देखो कि ये खिलाड़ी एवरेज रखता है 74.8 का वर्ल्ड कप के मैचेस पर भी खेलकर, उसके साथ स्ट्राइक रेट 132 का जो कि 3 नंबर पे खेल रहा है। तो आप उनको ना भाई मतलब आप ना उनको अंडर एस्टिमेट मत करो, ऑफ फॉर्म बताकर अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, और डॉट बॉल परसेंटेज तो भाई 30 का है जो कि बहुत ही बेहतर है। तो ये स्टैट्स देखकर आई थिंक आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा जिनका एवरेज 74, उनको आप क्यों नहीं खिलाओगे तीसरे नंबर के पोजिशन पर, क्यों 2 नंबर का रैंक नहीं दोगे। लेकिन जो 1 नंबर पे है ना, वो रिसेंट टाइम में जो फॉर्म पकड़ा है ना, वो तबाही वाला फॉर्म है। वो कौन है? वो है श्रेयस अय्यर, जो कि केकेआर की ओर से खेलेगा रिसेंट टाइम में, मतलब 2022 का आईपीएल में कप्तानी भी करेगा केकेआर की ओर से। तो उनका स्टैट्स देखो, उसके बाद ही आप समझ जाओगे कि 1 नंबर पे क्यों रखा हो। 2022 का स्टैट्स है, 4 मैच खेल चुका है, रन क्या है 225, 4 मैचेस में 225, ठीक है, विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है ये बंदा, ठीक है। एवरेज है 225.0 का, स्ट्राइक रेट है 170.5 का, और डॉट बॉल परसेंटेज है 18.9 का। हालांकि श्रीलंका के अगेंस्ट इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आया था, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक मैच में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आया था, लेकिन फिर भी मैच तो भाई मैच है, बॉलर्स लोग तो भाई इंटरनेशनल बॉलर्स ही, तो उस जगह पर ऐसा परफॉर्मेंस देना बहुत ही कारगर साबित होता है, और आई थिंक नो डाउट इनको आप 1 नंबर पे रख सकते हो। तो यही है टोटल रैंकिंग। तो मैं वापस से आप लोगों को एक लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ, 1 नंबर पे है श्रेयस अय्यर, 2 नंबर पे है विराट कोहली, 3 नंबर पे जॉनी बेयरस्टो, 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, 5 नंबर पे मैं रखा हूँ मनीष पांडे को, 6 नंबर पे मोइन अली, 7 नंबर पे देवदत्त पाडिकल, 8 नंबर पे के एस भारत, 9 नंबर पे के रुलसन, और लास्टली 10 नंबर पे विजय शंकर। तो ये है टोटल रैंकिंग 3 नंबर के पोजीशन का। आप लोगों को कैसा लगा जरूर से कमेंट करो, बताओ ये वीडियो अगर थोड़ा सा पसंद आया ना, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो और बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, और आप लोगों के मुताबिक कैसा रैंकिंग हो सकता है वो भी आप लोग कमेंट पर बता सकते हो। तो उसके लिए इधर ही समाप्त करते, और बढ़िया बढ़िया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब के लिए इतना ही।